In yet another shocking case of road rage, JDU MLC Manorama Devi's son Rocky Yadav allegedly killed a youth late last night after he overtook Yadav's car. Following the incident, Manorama Devi's husband Bindi Yadav was detained by the Rampur Police. Aditya Sachdeva, the victim, was returning home after celebrating his birthday when he overtook Rocky's car. इन लोग अपना बोध गया से आ रहा था और उन लोग भी आ रहा था फुल उन लोग नशा में पांच की संख्या में था जो हमारा मैडम का बॉडीगार्ड है उसको साथ में था वो कहीं की गाड़ी पूरा मतलब आगे पीछे करके उन लोग ओवरटेक करके गाड़ी रुकवा दिया मेरा बेटा चला रहा था गाड़ी उसको धर के नीचे उतार लिया और उतार के इन लोग चार पाँच को मिल के मारना शुरू कर दिया तो लास्ट में बॉडीगार्ड उतरा तो उन लोग थतमा की भाई बड़ी गार्ड है थतमा उसके बीच में हमारे बेटा का लाइसेंसी पिस्टल है वो अपना मारा कोई भी मारा पीटी करने लगेगा तो भाई अपना सुरक्षा में तो कुछ ना कुछ करेगा ना वो अपना निकाला उसी में हाथापाई हुआ गलत फहमी से लग गया अब कोई बात तो है नहीं सच्चाई ही है सच्चाई ही है हाँ घर पर गई थी वहीं से मेरा मतलब गाड़ी लैंड लोवर लाए हैं अब क्या प्रशासन से कहेंगे जो है उससे तो नकारा नहीं जा सकता है उसमें अब जो कानूनी प्रक्रिया है वो होगा Meanwhile, Yadav said all five of them were under the influence of alcohol, so they overtook the car and stopped it. Elaborating further, he said his son was driving the car and Madam's bodyguard was also with them when they pulled him out of the car and started beating him.